हिंदू संगठनों का कहना है कि छिंदवाड़ा के परासिया में ईसाई धर्म से जुड़े लोग सक्रिय हो गए हैं और ये लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके आदिवासी एवं गरीब तबके के लोगों को ईसाई धर्म प्रचारक पैसे का लोभ देकर योजनाबद्ध तरीके से ईसाई बनाने के काम को अंजाम दे रहे हैं। उमरेठा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में ईसाई धर्म सभा करके भोले भाले लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात की सूचना स्थानीय हिंदू संगठनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को देखा और सभी को थाने लाकर बयान लिए। पुलिस को काफी मात्रा में ईसाई साहित्य भी बरामद हुआ है। सत्संग में आए? कौन है सत्संग में? ये अपने चाचा पिता परमेश्वर को मानते हैं अपने बंदे। किसके घर पर गए थे आप? ये किरण यादव के। किरण यादव, क्या सत्संग हुआ वहाँ? वहाँ सत्संग में किताब पढ़ाते अपने को, और वो प्रार्थना करते परमेश्वर की किताब, पिता परमेश्वर की किताब, उसको पढ़ते भजन करते सब लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं, आते हैं दो साल के आते हैं, 50 लोग आ जाते हैं। उमरेड से किसी पे द्वारा मुझे सूचना दी गई थी, तो मैं उमरेड की पुलिस पार्टी गई और उन्होंने जो गाँव वालों से पूछताछ किया, तो उसमें किसी प्रकार से किसी के द्वारा धर्म परिवर्तन करने की बातें नहीं पाई गई हैं और इस संबंध और जानकारी ली गई, तो किसी पे द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो मामला है ये चर्च निर्माण का है, जो मेगजिन लाइन में डब्ल्यू सेल की ज़मीन में चर्च बनाया जा रहा है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वो काम रुकवाया जाए और चर्च निर्माण ना हो। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।